आज हम इकट्ठा हुए हैं एक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करने में इन जीएसटी। ये है जीएसटी ऑन कार्स। कार्स पर, ओल्ड एंड यूज्ड कार्स पर टैक्स का क्या इम्प्लीकेशन है, क्या इन पर जीएसटी लगेगा और अगर लगेगा तो किस रेट पर लगेगा। पहला सवाल आता है कि क्या ये टैक्सेबल हैं। देखिए दोस्तों, इसके ऊपर बहुत सारे केस लॉज हैं, बहुत सारा जजमेंट है, बहुत सारा लीगल वर्क ऑलरेडी बिफोर जीएसटी हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं जिसमें ये बताया गया कि ये टैक्सेबल नहीं भी है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जजमेंट्स ये भी आए जिसमें ये टैक्स भी लगाया गया। देखिए, इसके ऊपर, कार्स के ऊपर ना तो वैट में और ना ही सर्विस टैक्स में, एक्साइज रिजीम में कभी भी इसका क्रेडिट हमें नहीं मिलता। लेकिन जब भी हम इसको बेचते हैं तो क्या अगर उस पर हम टैक्स लगा देंगे तो क्या हमें ये नहीं लगता कि ये डबल टैक्सेशन है? तो दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो अभी कोर्ट्स को डिसाइड करना है इन टाइम्स टू कम। लेकिन अगर हम ये अज्यूम करें कि इस पर टैक्स लग रहा है तो किस रेट पर लगेगा। देखिए, इस बात को, इस क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए हम शुरुआत करते हैं इस जर्नी की शुरुआत से, और इस जर्नी की शुरुआत हुई 1 जुलाई 2017 से जब ये कानून आया। 1 जुलाई 2017 को एक नोटिफिकेशन आई, नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट की, जिसमें रेट्स डिफाइन किए गए, 5 शेड्यूल दिए गए। चौथे शेड्यूल में कार्स के ऊपर एंट्री नंबर 165 में रेट दिया गया, वो रेट था 28%। और सिमिलरली कंपनसेशन सेस की एक नोटिफिकेशन आई, उसका भी नंबर 1/2017 था। कंपनसेशन सेस रेट के अंदर रेट, कंपनसेशन सेस भी लगा दिया, सेस भी लगा दिया गया इसके। तो 1 जुलाई को इसका लीगल स्टेटस, टैक्सेशन स्टेटस, टैक्सेबिलिटी का स्टेटस ये था। उसके बाद सेकंड माइलस्टोन आया 13 अक्टूबर 2017 को, जो कि एक नोटिफिकेशन आई 37/2017, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर गाड़ियां लीज पे दी जाए और गाड़ियां सेल कर दी जाए तो उसके रेट ऑफ टैक्स जो कि ओरिजिनली 1/2017 में मेंशन था, उसमें क्या चेंज आएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर गाड़ी लीज पर दी गई है और वो लीज पर दी हुई गाड़ी 1 जुलाई 2017 से पहले खरीदी है और लीज पर भी 1 जुलाई 2017 से पहले दे दी गई है, तो जो रेट ऑफ टैक्स इसके ऊपर लगेगा वो लगेगा 65% ऑफ द रेट मेंशन्ड इन नोटिफिकेशन 1/17। और वहां कितना मेंशन है, 28%। तो 65% इसके हिसाब से 18.20% रेट बन गया लीजिंग। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी सिचुएशन दी कि अगर ये गाड़ी बेच दी जाए, सप्लाई कर दी जाए, तो पहली कंडीशन ये है कि रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, उसने वो गाड़ी 1 जुलाई 2017 से पहले खरीदी हो लेकिन उसके ऊपर कोई भी सेनवेट या इनपुट टैक्स क्रेडिट वैट लॉ में नहीं लिया हो, तो भी 65% ऑफ द सेंट्रल टैक्स रेट मेंशन्ड इन नोटिफिकेशन 1/17, जो कि 28% है, 28% का 65% अगेन इट कम्स टू 18.20%। दोस्तों, ये थी 13 अक्टूबर की नोटिफिकेशन जिसमें उन्होंने कहा कि 65% रेट लगेगा ऑफ द रेट मेंशन्ड इन 1/17, जबकि 28% था। अब 25 जनवरी को एक नोटिफिकेशन फिर आई, ये है इसका तीसरा माइलस्टोन दोस्तों, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 8/2018 थी, और उसमें उन्होंने कहा कि हम 4 क्लासिफिकेशन करते हैं ओल्ड एंड यूज्ड गाड़ियों की। देखिए, ये चैप्टर जो है सेटा में 87 है और स्पेसिफिकली इसकी हेडिंग है 8703, जो कि सारी नोटिफिकेशंस में लिखी गई है। 4 तरह की क्लासिफिकेशन उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हम पहली 3 क्लासिफिकेशंस के लिए रेट ऑफ टैक्स बता रहे हैं 18%। यहां पर भी रेट उन्होंने चेंज किया 1/2017 में। उन्होंने कहा कि जो 1/2017 में रेट है, 18 से ऊपर जितना है वो हम माफ कर रहे हैं, मतलब रेट ऑफ टैक्स रह गया 18 पहली 3 कैटेगरीज के लिए। और चौथी कैटेगरी कहा कि जो 3 कैटेगरीज में नहीं आएगा ना, उसको चौथी में डाल देंगे, उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स लगाएंगे 12। अब अंडरस्टैंड करते हैं ये 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कंडीशन यहां भी वही है कि आपने इस गाड़ी, जो ओल्ड एंड यूज्ड गाड़ी आप बेच रहे हैं, इसके ऊपर ना तो आपने सेनवेट लिया,
ना इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया पिछले रिजीम में वैट लॉ में, ना ही सीजीएसटी एक्ट में इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया, क्योंकि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए में स्पेसिफिकली गाड़ियों के क्रेडिट पर मनाई है, गाड़ियों का क्रेडिट आपको नहीं मिलता है। क्वेश्चन फिर वही आता है कि एक तरफ तो आप इनपुट देते नहीं है, दूसरी तरफ इसके ऊपर सेल पर टैक्स लगा रहे हैं, क्या ये जस्ट एंड इक्विटेबल है? ये क्वेश्चन अगेन मैंने आपसे कहा कि कोर्ट को डिसाइड करना है। फिर उन्होंने चार क्लासिफिकेशन की, अब ये चारों क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। कंडीशन वही है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने नहीं लिया हो। पहली जो क्लासिफिकेशन है, पहली जो कैटेगरी है वो ये है कि आपने ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल हैं, मोटर कार्स हैं, पेट्रोल से चलने वाले, सीएनजी से चलने वाले या एलपीजी से चलने वाले, जिनका 1200 सीसी या उससे ज्यादा की क्यूबिक कैपेसिटी है और 4000 mm या उससे ज्यादा की लेंथ है, तो 18% लगेगा। दोस्तों मैं रिपीट कर रहा हूं, पेट्रोल सीएनजी एलपीजी से चलने वाले 1200 सीसी या उससे ज्यादा की क्यूबिक कैपेसिटी, 4000 mm या उससे ज्यादा की लेंथ, दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो 18% लगेगा। दूसरी क्लासिफिकेशन है डीजल से चलने वाली ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल। व्हीकल में कार सारी चीजें आती है दोस्तों। यहां पर मोटर व्हीकल की डेफिनेशन जो है मोटर व्हीकल एक्ट से ली गई है, जो सीजीएसटी एक्ट में है। मोटर व्हीकल एक्ट में वही, यहाँ सीजीएसटी एक्ट में वही डेफिनेशन है जो मोटर व्हीकल एक्ट में मोटर व्हीकल की ली गई है। तो दूसरी क्लासिफिकेशन उन्होंने कहा कि डीजल से चलने वाले व्हीकल जिनकी क्यूबिक कैपेसिटी 1500 सीसी या उससे ज्यादा है और 4000 mm तक की लेंथ है, 18% लगेगा दोस्तों। तीसरी कंडीशन, तीसरी क्लासिफिकेशन रादर आई वुड से, उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल जिसकी लेंथ 4000 mm से ज्यादा और ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm से ज्यादा है, उसके ऊपर भी 18% लगेगा। चौथी कंडीशन उन्होंने कहा कि जो पहली तीन में नहीं आएगा, मतलब छोटे छोटे गाड़ियां जो है जैसे मारुति 800, ऑल्टो, स्विफ्ट, ये सब गाड़ियां जो है जो कि पहली तीन कंडीशंस में नहीं आती हैं, पहली तीन क्लासिफिकेशंस में नहीं आती हैं, चौथी क्लासिफिकेशन में उन पर रेट ऑफ टैक्स लगेगा दोस्तों 12%। कंडीशन मैंने आपसे रिपीट कर ली कि आपका अब टैक्स किस पर लगेगा, टैक्स लगेगा मार्जिन पे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, मार्जिन का मतलब प्रॉफिट दोस्तों। अब यहां पर भी दो सिचुएशंस हैं, अगर आपने उस गाड़ी के ऊपर डेप्रिसिएशन लिया हुआ है इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 32 के हिसाब से, मतलब इसका मतलब आपने गाड़ी को कैपिटलाइज किया होगा अपनी फिक्स्ड एसेट्स में, तो मार्जिन कैसे निकालेंगे? मार्जिन का मतलब है सेल और परचेज का अंतर। सेल प्राइस तो आपको मिल गया, सेलिंग प्राइस आपकी गाड़ी का, परचेज प्राइस की जगह आप लोगे यहाँ डेप्रिशिएटेड वैल्यू, जो भी आपकी किताबों में उस समय की डेप्रिशिएटेड वैल्यू उस गाड़ी की आ रही होगी वो माइनस कर दे, सेल प्राइस माइनस डेप्रिशिएटेड वैल्यू, ये मार्जिन होगा। इसके ऊपर 18 या 12 अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन जो भी लगाना है आप लगा दीजिए दोस्तों। अगली, अगर डेप्रिशिएशन नहीं लिया गया तो भी सेलिंग प्राइस और परचेसिंग प्राइस के अंतर को मार्जिन कह रहे हैं और उसके ऊपर टैक्स लगा। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर मार्जिन नेगेटिव है, मतलब सेलिंग प्राइस इज लेस देन द परचेज प्राइस, तो उसको इग्नोर कर दें, कोई टैक्स नहीं लगेगा, एंजॉय, नथिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब एक यहां, ये तो रही 25 जनवरी की कहानी, इसके साथ 25 जनवरी को एक और नोटिफिकेशन निकाली कंपनसेशन सेस में, जिसमें से सेस इन सब ओल्ड एंड यूज्ड कारियों पर हटा दिया गया। एक बहुत बड़ी रिलीफ थी कि एक तो रेट ऑफ टैक्स कम कर दिया गया, दूसरी तरफ से सेस भी हटा दिया गया दोस्तों। उसके बाद आपको समझने की जरूरत है इस बात के लिए कि ये जो दो नोटिफिकेशन है 13 अक्टूबर और 25 जनवरी वाली दोस्तों, क्या इन दोनों नोटिफिकेशन का हम बेनिफिट ले सकते हैं? क्योंकि 25 जनवरी की जो नोटिफिकेशन आई उसमें 13 अक्टूबर की नोटिफिकेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं है। दोनों नोटिफिकेशन 1/17 में चेंज कर रही है, उसके रेट को चेंज कर रही है, तो क्या दोनों का बेनिफिट ले सकते हैं? हमारी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार दोस्तों सिर्फ एक का बेनिफिट लिया जा सकता है, एक की एप्लीकेशन की जा सकती है, और बेनिफिशियल जो है वो है 25 जनवरी की 8/18 दोस्तों, क्योंकि उसमें रेट ऑफ टैक्स 18-12 है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो मार्जिन पर टैक्स लग रहा है ना कि फुल वैल्यू पर टैक्स लग रहा है दोस्तों। ये तो पूरी आपको मैंने जर्नी बताई दोस्तों ओल्ड एंड यूज्ड कार्स के ऊपर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों, और फ्रेश वीडियोस के लिए आपको अपने आप इंटीमेशन आता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।